हम लोग पितृदान के लिए ही यहाँ आते हैं और यहाँ से पितृदान करके और चले जाते हैं फिर गया। मन में बहुत श्रद्धा होती है और बहुत ही आत्मसंतुष्टि मिलती है और हमारा मोक्ष भी पिंड से है। बिना पिंड का मोक्ष नहीं है, मुक्ति नहीं है। पितृपक्ष का पावन माह जारी है। 15 दिनों तक हर कोई जिनके घर पे पितर हैं, जो इन पितरों को याद करते हैं, उनके लिए पिंडदान करते हैं। इन दिनों का खास महत्व उनके लिए भी है, उनके परिवार के लिए भी है। बदले में उन्हें पितरों का आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है कि प्रयाग में मुंड का महत्व है, यानी मुंडन कराया जाता है। काशी में पिंड का महत्व है, यानी यहाँ पर पिंडदान किया जाता है। और इसके साथ ही गया में दंड का महत्व है। अगर बात करें तो गया में पितरों की मुक्ति कराई जाती है, लेकिन काशी में एक ऐसी जगह है जहां पर आकर कोई भी व्यक्ति अगर पिंडदान करे तो उसे मुक्ति मिल जाती है। हम बात कर रहे हैं पिशाच मोचन कुंड की, और इस वक्त हम उस कुंड पर मौजूद हैं। और आप देखें हमारे पीछे ये पिंडदान करने वाले लोग देश के ही नहीं, दुनिया के कोने कोने से यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ पर जो लोग पिंडदान कर रहे हैं, उनकी जो मंशा है वो ये है कि उनके पितरों को मुक्ति मिले। और इस पूरे महत्व को जानने के लिए हमारे साथ इस तीर्थ के मुख्य पुरोहित हैं। नाम जानेंगे आपका? आचार्य महेंद्र तिवारी। तिवारी जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, ये जो तीर्थ है इसका महात्म्य क्या है, कितना पुरातन तीर्थ है और इसके बारे में क्या कहा जाता है? यह जो है दिया गया है कि हम ब्रह्मा जी ने जो है ब्रह्मा जी स्थापित दिए थे आशीर्वाद। एक ब्राह्मण थे, वो दान लेते थे, दान देते नहीं थे। तो उनको इतना श्रापित हो गया कि उनको कोढ़ रोग होने के बाद उनसे जो है, उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी ने इस सरोवर पर वरदान दिया कि आप जो है इस सरोवर पर आकर तर्पण पितरों का जो है पिंडदान करेंगे तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। यहाँ ब्रह्मा जी का द्वारा स्वयं अभिश्रापित है, इस जल से तर्पण मात्र से पितरों का उद्धार हो जाता है। पिंडदान कैसे किया जाता है, पिंडदान की विधि क्या है और इसके महत्व को हम जानना चाहते हैं कि आखिर पिंडदान क्यों किया जाता है? पिंड से हमारी उत्पत्ति है। माँ के पेट में हम जब पिंडवत होते हैं तो हमारा शरीर की रचना होती है, अंगों का निर्माण होता है। हमारे यहाँ कहा गया है कि जहाँ से उत्पत्ति है वहीं पर अंत है। हमारी उत्पत्ति पिंड से है और हमारा मोक्ष भी पिंड से है। बिना पिंड का मोक्ष नहीं है, मुक्ति नहीं है। कितने दिनों तक ये पिंडदान होता है और काशी में पिंडदान का महत्व तो क्या है? काशी शिव जी की नगरी है। यहाँ पर दिया गया कि केवल पिंड पड़ जाए, अस्थि पड़ जाए तो उसके साक्षात जो है वह मुक्ति हो जाती है, पुनः जन्म मरण नहीं लेता है। अगर बात करें तो पूरे देश में अलग अलग तीर्थ स्थल हैं, लेकिन खास तौर पे काशी के इस तीर्थ पर जिसे विमलोदत्त तीर्थ कहा जाता है पिंडदान किया जाता है, ऐसा क्यों, यहाँ का महत्व क्या है? यहाँ का महत्व है कि ब्रह्मा जी ने दिया, इस जल से जो भी तर्पण कर दे, इस जल में जिसका भी पिंड पड़ जाए उसको मुक्ति होना ही होता है। ब्रह्मा जी ने जो है यहाँ वरदान दिया हुआ है। पिंड किन किन चीज़ों से बनता है, कितने दिनों का ये पूरा का पूरा पर्व है, और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस पिंड को कैसे तर्पण किया जाता है, क्या किया जाता है? यह 15 दिन का पक्ष होता है। सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन होते हैं, दक्षिणायन के मध्य में पितृपक्ष आता है। वैसे तो जनरली हर महीने में शुक्ल पक्ष देवताओं का होता है और कृष्ण पक्ष पितरों का होता है, लेकिन इसके मध्य में यह आता है इसलिए इसका महत्व ज़्यादा अधिक है। पिंडदान के लिए आने वाले भक्तों से हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ एक श्रद्धालु भी हैं। नाम जानेंगे आपका? शिवजी सिंह। कहाँ से आए हैं? रोहतास से। रोहतास से काशी आए हैं पिंडदान करने के, क्या महत्व है, क्या जानते हैं, और साल में जो 15 दिन होते हैं वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं काशी आगमन के?
पितृदान के लिए महत्वपूर्ण है 15 दिन, ठीक ना। हम लोग पितृदान के लिए ही यहाँ आते हैं और यहाँ से पितृदान करके और चले जाते हैं फिर गया, वहाँ जाकर के विष्णु मंदिर में जितने भी हमारे पूर्वज हैं उन सब लोगों का प्रणाम करके आप दान करते हैं, इसके बाद में घर चले जाते हैं। तो जो भक्त हैं, जो वंशज हैं, वो यहाँ पर पिंडदान करते हैं और इनकी मान्यता है कि इनके पितरों को यहाँ पर पिंडदान से मुक्ति मिलती है। इसी तीर्थ पर एक वृक्ष भी है जिसे प्रेत वृक्ष कहा जाता है, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। हम बताएंगे कि आखिर उस वृक्ष पर सिक्के क्यों लगे हुए हैं, उस वृक्ष का महत्व क्या है। काशी में पिंडदान का महत्व है और इस महत्व को जानने वाले यहाँ आकर अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जो इस पिंडदान को करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। नाम जानेंगे आपका? अनूप श्रीवास्तव। कहाँ से आए हैं अनूप जी? लखनऊ। लखनऊ से काशी आए हैं जी? पहले इलाहाबाद। काशी में आकर क्यों पिंडदान करते हैं, और जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि पहले इलाहाबाद गए फिर यहाँ आए, तो ये पूरा जो क्रम है इसके बारे में क्या जानते हैं? इसके बारे में जो आचार्यों ने बताया है कि आप पहले इलाहाबाद में जा करके पहला पिंड करिए, फिर काशी में आकर के पिशाच मोचन पे त्रिपिंडी श्राद्ध करिए, उसके बाद गया जी में जा करके गया जी का श्राद्ध करिए, उसी क्रम में जो है इस कार्य को कर रहे हैं। मान्यता क्या है, मन में क्या होता है, कितनी श्रद्धा होती है यहाँ आकर पिंडदान करने? मन में बहुत श्रद्धा होती है और बहुत ही आत्मसंतुष्टि मिलती है, बहुत ही आत्मसंतुष्टि मिलती है कि पूर्वजों के नाम पर पूर्वजों के लिए हमने कुछ किया है। जिस तरह से पिंडदान पूरे देश के कोने कोने में, जहाँ पर भी अगर बात करें तो गंगा नदी का किनारा है वहाँ पर किया जाता है, लेकिन काशी आकर पिंडदान करना, इसका क्या महत्व है? मोक्ष की प्राप्ति होती है ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। यहाँ पर करने से जो भी आत्माएं हैं, जो भी हमारे पूर्वज हैं, वो किसी भी योनि में हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, मन में ये मंशा होती है, और उनके जो वंशज हैं वो काशी में आकर पिंडदान करते हैं। हमारा नाम प्रदीप कुमार पांडे है, हम मुन्नालाल पांडे के छोटे भाई हैं। प्रदीप जी, हाँ, अगर बात करें तो ये पिशाच मोचन तीर्थ, इसका महत्व क्या है इतिहास का? ये पिशाच मोचन तीर्थ का महत्व बहुत पुराना है। ये गंगा का पहले का तालाब है, सरोवर है, यहाँ शुरू से ही पूजा पाठ हो रहा है। यहाँ गणेश और कार्तिक खुद आए थे ज्ञानारी की मुक्ति दिलाने के लिए। ज्ञानारी एक राक्षस था जो गणेश और कार्तिक को काफ़ी परेशान कर रहा था, उसी के मुक्ति के लिए गणेश और कार्तिक यहाँ आए थे। तब से इस कुंडक में जब से उसका काम हुआ, पूजा हुआ, तब इसका नाम विमलोदक कुंड पड़ गया। इसकी तब से यहाँ नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध, गया श्राद्ध, पारवन श्राद्ध, देश के कोने कोने से लोग आते हैं और इसकी बड़ी मान्यता है। यहाँ पर एक प्रेत वृक्ष भी है, हाँ, वो वृक्ष क्या है, वहाँ पर क्या होता है, वो सिक्के क्यों धंसा है? वो वृक्ष इसलिए जो लोग जैसे तंत्र मंत्र वाले होते हैं वो अपना तंत्र मंत्र करके सिक्के को गाड़ते हैं, वो तांत्रिक क्रिया है। इस प्रेत वृक्ष का एक महत्व है, वो क्या? ये प्रेत वृक्ष का बहुत बड़ा महत्व है। जो प्रेत खतरनाक तरीके से होते हैं, जो काबू में नहीं आते हैं, उनके लिए प्रयोग अलग से होता है, सिक्के के रूप में उनको गाड़ा जाता है और जब वो सही हो जाते हैं तो पितृ बन के यहाँ से गया जाते हैं। पिशाच मोचन के पास एक वृक्ष मौजूद है जिसे प्रेत वृक्ष कहा जाता है, आपके सामने ये वृक्ष, और अगर इसकी आयु की बात करें तो सैकड़ों वर्षों से ये यहाँ विराजमान है, और जो भी ऐसे पितृ जो कि प्रेत योनि में चले गए हैं उनकी मुक्ति का कारण ये वृक्ष बनता है। जो भी प्रेत होते हैं उनके नाम के सिक्के और कील यहाँ धंसाए जाते हैं और बाद में पूजन प्रक्रिया द्वारा उनको शांत किया जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि जब वो शांत हो जाते हैं तो पिंडदान कर उनकी मुक्ति की कामना की जाती है। तो ये वृक्ष अपने आप में प्रेत बाधा से मुक्ति का कारण भी बनता है, और भक्त यहाँ आकर प्रेत बाधा से दूर होने की प्रक्रिया को अपनाते हैं। आप जुड़े रहिए अमर उजाला के डिजिटल पेज के साथ,
आगे भी हम आपको इसी तरह की रोचक खबरों से रूबरू कराएंगे। इसके साथ ही जो अन्य धार्मिक महत्व की चीज़ें हैं हम उनको भी आपको बताएंगे। मेरा नाम आचार्य लालमणि चौबे। चौबे जी, ये वृक्ष क्या महत्व इसका? इसका महत्व जो है जी हमारे पूर्वजों से जो है ये बहुत सौ का कई अरबों के इसका पुरतांत नहीं किया जा सकता है वृक्ष के बारे में। ये लोग हम लोग आते हैं बाहर से, हमारा जो है निश स्थान जो है आजमगढ़ जिले जनपद से पड़ता है। एक और चीज़ जानना चाहेंगे, इस वृक्ष में कीले धसी हुई हैं, सिक्के धसे हुए हैं, कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं जी, क्या है? इसमें वृक्षों में जो प्रेतों का समूह होता है इसमें यह स्थान दिया जाता है, इसलिए कि ये शंख जो है भगवान अनाद निधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्षो प्रदोभव, ये तीनों प्रेत को यह स्थान को लिए ये तृप्त करता है। यहाँ आने के बाद जो स्थान दिया जाता है ये पूर्वजों का जो है यह स्थान लेकर के ये घर में सुख शांति प्रदान करते हैं प्रेतों। कहा जाता है कि जो प्रेत काबू में नहीं आते उनको काबू भी करते हैं। जी जी, ये क्या है? ये है कि हमारे जो पूर्व त्रिपिंडी श्राद्ध होते हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध में तीन प्रेत होते हैं, एक सात्विक होते हैं, सात्विक विचार के होते हैं, एक राजस होते हैं, एक तामस प्रेत होते हैं। तीनों प्रेत जो होते हैं ये सात्विक विचार वाले जो स्वच्छ रहते हैं और जो तामसी वाले रहते हैं वो अक्षवच का भजन करते हैं। यह करने पर जो नहीं कर पाते हैं आने के बाद जो है वृक्ष में जब स्थान ग्रहण कर लेते हैं तो सबसे आत्मा एक जगह हो करके और घर में सुख शांति प्रदान कर देते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।